फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन विद राजेश चैनल पर फ्रेंड्स अभी अभी एक अपडेट आई है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से खेलो इंडिया में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने ये वैकेंसी निकाली हैं मिनिस्ट्री ऑफ़ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंडर ये आती हैं हेड ऑफिस है, है जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली तो इसमें साई ने ट्वेंटी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस एन सी के द्वारा ये निकाली है और इसमें यंग प्रोफेशनल जनरल मैनेजमेंट की नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं पचास जो भी डिटेल आपको चाहिए तो साई की वेबसाइट है द डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट एस टी टी पी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डॉट एन एस सी डॉट इन पर तो ये एक अपडेट मैं आपको शेयर करना चाह रहा था ई मेल के द्वारा भी आप खेलो इंडिया के रिक्रूटमेंट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर ये इसका सजेशन आप ले सकते हैं जॉब की जो टेबल है वन है इसमें यंग प्रोफेशनल जनरल मैनेजमेंट के लिए टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड ऑब्जर्व द फंक्शनिंग ऑफ द वेजाई खेलो इंडिया इनिशिएटिव एंड स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंट्री स्पोर्टिंग इको को सपोर्ट करने के लिए और रिकॉर्ड को मेंटेनेंस करने के लिए ये पोस्ट निकाली गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनी ग्रे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री टू ईयर फ्रॉम मेरीको एंड यूनिवर्सिटी एम बे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फ्राम मेरीको एंड यूनिवर्सिटी असेंशियल एक्सपीरियसन जो एक्सपीरियंस होता है वो वन ईयर का होना चाहिए रिलेवेंट इन द फील्ड मैं इन जी डी एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमिस पी एस यू इन रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस विल भी काउंटेड ओनली द सेम इज रिक्वयर्ड आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ़ दसेंशियल क्वालिफिकेशन तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था क्राइटेरिया है इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स के लिए जो इंटरव्यू बेसिस होगा डिजाइनेशन एवेलोएस क्राइटेरिया टोटल मार्क्स हंड्रेड्स का होगा वेटेज दी जाएगी मार्क्स ऑफ इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन टोटल फोटी मार्क्स का होगा ग्रेटर और इक्वल पचहत्तर परसेंट में फोटी मार्क्स सिक्सटी से पचहत्तर परसेंट तक ये होगा फोर्टी फाइव से सिक्सटी परसेंट ट्वेंटी मार्क्स दिए जाएंगे तो ये वेटेज होगा एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्रेटर दैन फाइव ईयर से वे ट्वेंटी फाइव मार्क्स दिए जाएंगे तो ये एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्क्स भी मिलेंगे इसमें ठीक है जो ये एक नोट है जो आप वुमेन्सो कैंडिडेट होंगे उसमें टेबल थ्री दी गई है वो यूज कॉलिंग फॉर द कैंडिडेट्स टू अपियर इन द इंटरव्यू के लिए द फाइनल लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ टेंट इन द इंटरव्यू ओनली तो ये इंटरव्यू बेस्ट है वर्क एक्सपीरियंस और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन किया नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल शुड भीड बाई द फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ़ रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स तो ये एक अपडेट थी जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसमें वो कैन अप्लाई तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं तो ये आपका जो रिप्लाई करने का जो फॉलो है उसमें डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट मार्कशीट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट डिग्री सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन जो भी कोर्सेज होता है वर्क एक्सपीरियंस होता है वो सब आपको इसके साथ में अटैच करने होंगे फिर इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं टेन ओवर क्या होगा जिसका टू ईयर फर्दर एक्सटेम्बल हो सकता है वन ईयर कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें कैन बी टर्मिनेटेड बाय गिविंग एट थर्टी डेज नोटिस दिया जा सकता है आपको एज लिमिट है इसमें फोर्टी फाइव ईयरस और इसमें सैलरी अच्छी रहेगी सब्जेक्ट हुए मैक्सिमम सैलरी ऑफ सिक्सटी थाउजेंड पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी टे जो टी डी बोलते हैं जिसमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जीतना इनकम टैक्स और एनी हो रहा विल बी डिडक्टेड डिजक् होंगे अदर अलांस टी ए डी ए नो टेडीडल फॉर ज्वाइनिंग दाइनमेंट ऑर्डिनेट्स कम्पलेसन एक्सटेंसन भी हो सकता है इसमें अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो थर्टी डेज लिव भी इसमें कैलेंडर्स ऑन द प्रो रेसिस कैसे करना है इसमें तो द कैंडेट सेल है अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक ओ फी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डॉट एन आई सी डॉट इन पर साइज जॉब्स पर कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं इसको तो ये एक अपडेट थी जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था इसमें लास्ट डेट दे रखी है जो वो ट्वेंटी सेवन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी टू से स्टार्ट हो जाएगा और ट्वेल्व फाइव से ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें इसमें एज क्राइटेरिया आपने चेक कर लिया है और इसमें ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं तो जो भी एलिजिबल है इसके लिए कैंडिडेट स्पोर्ट्स पर्सन कोचिज जो भी इसमें एलिजिबल है वो इसका पूरा फॉर्मेट चेक करके इसको अच्छे से अप्लाई कर सकता है तो ये अपडेट थी जो मैं अभी अभी मैंने चेक की तो आप भी इस अपडेट को अपने फ्रेंड्स में अपने कोचिज़ में या अपने जो भी साथ के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें थैंक यू फ्रेंड्स